ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या अविनाशी परमात्मा को विनाशी सूर्य व सागर से तुलना की जा सकती है? छोटे बच्चे को, जिसको कुछ नहीं मालूम होता, उसको समझाने के लिए सिखाया जाता है अनार, वो याद करता है अनार, आम, आम बड़ा आ, ई इमली, ये समझाने के लिए होते हैं। उन चीजों का परिचय कराया जाता है जिससे वो समझ सके। बाकी जीवन में आ का अनार के साथ, आ का आम के साथ, ई का इमली के साथ कोई लिंक नहीं है। आगे जब सेंटेंस बनेंगे तो कुछ और ही अर्थ होगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की गुणों की, विशेषताओं की तुलना इसलिए क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है तो उसके साथ तुलना की जाती है, सागर भव का विस्तार बहुत बड़ा है तो उसके साथ तुलना की जाती है। इसलिए आर्टिस्ट ने परमात्मा की तुलना गणेश के हाथी के सिर के साथ कर दी, दुनिया वालों ने उठा के गणेश बना दिया। तो आप देखेंगे गणेश कैसे बना, उसमें समझाया है कि परमात्मा की हाथी के साथ तुलना कर दी और दुनिया वालों ने हाथी का सिर लगा दिया, गणेश बना दिया। ये समझाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा सूर्य की तरह है या सागर की तरह है, ये केवल समझाने के लिए। ठीक है, और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, या आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। ओम शांति।